हर साल की तरह इस साल भी न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के तत्वावधान में सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर भव्यता से भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। समिति की 39वें वर्ष पर विशेष साज सज्जा यहां पर पर्यावरण को लेकर की गई है। समिति द्वारा पर्व को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई। जय गणेश। इस बार हम लोग सेक्टर 2 में हम लोग स्वप्न नगरी बना रहे हैं। लोगों को यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। स्वप्न नगरी ऐसा है कि और हम लोग मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए एक थीम लेके आए हैं कि बचाने के कि आजकल जगह जगह बाढ़ वगैरह सब चीज़ हो रहा है, तो हमको मतलब कैसे बचाना है पर्यावरण को, उस चीज़ का एक संदेश है। और स्वप्न नगरी आप आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, महसूस होगा। ऐसा समिति एक बार का प्रयास किया है, एक नया थीम लेके आए हैं। जब पिछले बार हम लोग लेके आए थे पत्रकारों के लिए, इस बार हम लोग को पर्यावरण बचाने के लिए स्वप्न नगरी हम लोग बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस बार खास आपको देखने मिलेगा जब अंदर आएंगे, जो आपको एकदम ऐसे ठंडक का चीज़ जो आपको रहेगा, एकदम काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बर्फ के बीच में आके वो रहेगा। और पूजा तो काफ़ी अच्छा होता है, पर जो 11 पंडित आएंगे, और उसके बाद इस बार हम लोग मतलब बप्पा के ऊपर जो चांदी का छत्र रहेगा और पूरे फोम में लोग चलेंगे, एक नया अनोखा चीज़ मिलेगा, एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। और विशेषकर यहाँ पर कि जो बेस्ट जो भी यहाँ पर जो हम लोग ड्रेस कोड रखे हैं, जो लड़कियों के लिए जो पैजामा कुर्ता रहता है, उन सब के लिए डेली हम लोग ऐसा मतलब सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं कि जो ऐसे अलग से देखेंगे सब चीज़ के लिए, वो भी हम लोग एक अनोखा गिफ्ट रखे हैं हम लोग यहाँ। मैं सर्वसिक ये करूँगा कि बप्पा के दर्शन के लिए आप ज़रूर आए, एक अच्छा संदेश हमारा यहाँ पर, आप सबका यहाँ स्वागत है सेक्टर 2 की पावन धरा पर। जय गणेश।